अब से कुछ ही देर में टीम 11 के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे। बता दें कि कोरोना को लेकर समीक्षा की जाएगी, जो कि रोजाना की जाती है। सुबह 10:30 बजे सीएम आवास पर ये बैठक होगी और प्रदेश की ताजा हालात की जानकारी इस दौरान सीएम अधिकारियों से लेंगे। तो कोरोना को रोकने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन पर फैसला भी संभव होगा। तो नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, बैठक यहां पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ, हालांकि उससे पहले शाम को कल जब बैठक हुई थी तो फटकार लगी थी, लेकिन अब इस बैठक में क्या चर्चा की जाएगी कोरोना की रोकथाम को लेकर? आदित्यनाथ की ये रूटीन बैठक है, प्रतिदिन टीम 11 के साथ बैठक करते हैं और पिछले 24 घंटे के हालातों का जायजा लेते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इस दौरान कोरोना का संक्रमण उत्तर प्रदेश में ज्यादा फैल चुका है और अधिकांश अस्पतालों में बेडों की समस्या आ रही है और एम्बुलेंस की तरफ से जो लापरवाहियां की गई हैं इसको लेकर भी है। साथ ही होम आइसोलेशन पर भी बात होगी कि जिस तरीके से संख्या बढ़ी हुई है इसको लेकर हो सकता है कि लोगों को होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में रखने की इजाजत दे दी जाए। हालांकि 3 दिन पहले ही अमित मोहन प्रसाद अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की तरफ से आदेश जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि किसी को भी होम आइसोलेशन की इजाजत नहीं होगी, सबको हॉस्पिटल में आना होगा या प्रदेश सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जो होटल चिन्हित किए गए हैं उसमें रुकना होगा और उन्हें सरकारी डॉक्टर ही जाकर उनका इलाज करेंगे, उनकी निगरानी में रहेंगे। लेकिन आज इस विषय पर चर्चा होगी कि जो संख्या जी। चलिए, धन्यवाद आपका नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।